हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 12 का केमिस्ट्री पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं आप? पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं। आज आप पार्ट 10 की शुरुआत करनी है, जिसमें कि पार्ट 9 तक आपका मेथेनोइक अम्ल तक कंप्लीट हो चुका था। आज जो आपको पढ़ना है उसके आगे का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल या फिर इसका दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एथेनोइक अम्ल है, या फिर इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अणुसूत्र CH3COOH होता है। अणुभार की बात करें तो 60 होता है, और संरचना सूत्र की बात करें तो क्या होगा कि HCH(CO)OH, ये इसका संरचना सूत्र होता है, ठीक है ना। ये इसका संरचना सूत्र होता है जो कि आपके सामने है। तो अब हम चलते हैं बनाने की विधियों पर। बनाने की विधियां, नंबर वन पर है बनाने की विधियां। इसको कितनी विधियों से बनाया जा सकता है? पहली है प्रयोगशाला विधि, लैब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि लैब प्रोसेस क्या होती है, लैब प्रोसेस में कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट व सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना भैया। क्या प्राप्त होता है? कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखिए क्या होता है, यहां पर आइए, CH3CH2OH इसका ऑक्सीकरण करवाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। इन दोनों की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये सर्वप्रथम जो है एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है ना। यानी ये प्राथमिक अल्कोहल होता है, प्राथमिक अल्कोहल सर्वप्रथम ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है ना, जो पुनः ऑक्सीकृत होते हैं और एसिटिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। तो ये रही हमारी प्रयोगशाला विधि, सर्वप्रथम एसिटाइल्डिहाइड बना और उसका ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। विधि नंबर दो, ये पहली विधि थी। विधि नंबर दो है हमारी क्या, मेथिल साइनाइड का जल अपघटन कराने पर
मेथिल साइनाइड का जल अपघटन कराने पर एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। बहुत सिंपल सी, मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन, बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स लेकर आऊंगा आपके लिए, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी हो सके, ठीक है ना। तो मेथिल साइनाइड का जल अपघटन कराने पर एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। मेथिल साइनाइड CH3CN, ये मेथिल साइनाइड हो गया, इसका करवाना है क्या जल अपघटन, H2O लेते हैं और बनाना क्या है हमें CH3COOH बनता है, एस्टिक अम्ल बनता है, प्लस नाइट्रोजन के साथ अमोनिया प्राप्त हो जाती है, NH3 प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर दो चाहिए तो यहाँ पर दो लगा देते हैं, हाइड्रोजन चार और तीन सात, ये हमें एस्टिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। विधि नंबर तीन हमारी है, थर्ड विधि क्या है, तीसरी विधि ये कि मेथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में CO से क्रिया कराने पर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराने पर एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। क्रिया कराने पर एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो मेथिल एल्कोहल यानी कि CH3OH प्लस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप क्रिया करवाते हैं तो CH3COOH यानी कि एस्टिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये तीन विधियों का वर्णन हो चुका है हमारा, जिनके द्वारा हम एस्टिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विधि नंबर चार, चौथी विधि है जो अक्सर पूछी जाती है आपकी, हमेशा उसी विधि से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है क्विक विनेगर या शीघ्र सिरका विधि। क्विक विनेगर या शीघ्र सिरका विधि, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि एसिटिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण किण्वन विधि द्वारा एस्टिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में एथिल अल्कोहल एथिल एल्कोहल का वायु की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण से मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करना,
किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। और इस विधि में कहते क्या है कि कह रहा है एथिल अल्कोहल का वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मायसिटी, वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मायसिटी नामक, माइकोडर्मायसिटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराने पर माइकोडर्मायसिटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराने पर, ठीक है ना, एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। किण्वन कराने पर एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। माइकोडर्मायसिटी नामक जीवाणु द्वारा क्या करवाना है, किण्वन कराने पर एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो देखें कैसे कि CH3 CH2OH ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु इसका किण्वन करता है और हमें प्राप्त हो जाता है CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल प्लस H2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, एस्टिक। और माइकोडर्मा एसिटी कौन सी क्रिया करता है भैया, किण्वन क्रिया करता है, क्या करता है, किण्वन क्रिया करता है। अब इसकी हेडिंग डालते हैं क्रिया विधि, क्या डालते हैं भैया, क्रिया विधि मैकेनिज्म, किस तरह से क्रिया होती है। तो देखिएगा क्या होता है इस विधि में, एक लकड़ी का गोल पात्र होता है जैसा कि ये बना हुआ है डायग्राम में, ठीक है ना, लकड़ी का गोल पात्र होता है, इसमें यहां पर वायु क्षेत्र होते हैं, ठीक है, और यहां पर हम लकड़ी का बुरादा भर देते हैं, ठीक है ना, क्या बनते हैं भैया, लकड़ी का बुरादा भरा होता है इसमें, वायु क्षेत्र, लकड़ी का बुरादा भरते हैं और ऊपर से टेन परसेंट C2H5OH का विलयन भरा होता है, ठीक है ना, 10% C2H5OH का विलयन भरते हैं जो यहाँ पर बूंद बूंद टपकता रहता है और वायु नीचे से वायु प्रवाहित करते हैं। वायु प्रवाहित करने से क्या होता है कि माइकोडर्मायसिटी नामक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है और एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण एस्टिक अम्ल में कर देता है जो यहाँ पर धीरे से एकत्रित होता रहता है, ठीक है ना, क्या होता है, एकत्रित होता रहता है, इस तरह से एस्टिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। अब क्रिया विधि में लिख क्या सकते हैं, तो लिखने के लिए क्या लिखेंगे कि इस विधि में लकड़ी के बुरादे को, इस विधि में लकड़ी के बुरादे को, इस विधि में लकड़ी के बुरादे को सिरके से नम करके, सिरके से नम करके यानी सिरके में क्या करते हैं, सिरके से गीला कर देंगे, नम करके लकड़ी के गोल पात्र में लकड़ी के गोल पात्र में भर देते हैं, इस विधि में लकड़ी के बुरादे को सिरके से नम करके लकड़ी के गोल पात्र में
भर देते हैं, ठीक है ना, किस में भरते हैं भैया, लकड़ी के गोल पात्र में भर देते हैं, और ऊपर से दस प्रतिशत C2H5OH का विलयन, 10% C2H5 विलयन धीरे 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 गिराते हैं, ठीक है ना, और ऊपर से C2H5OH का विलयन 10% C2H5OH का विलयन धीरे धीरे गिराते हैं, तथा वायु छिद्र छिद्रों की सहायता से वायु प्रवाहित करते हैं, वायु छिद्रों की सहायता से वायु प्रवाहित करते हैं, पात्र का ताप पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, ठीक है ना, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इस परिस्थिति में माइकोडर्मा एसी की नामक जीवाणु एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देता है, और एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। जिसका सांद्रण करने पर ग्लेशियल एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका सांद्रण करने पर ग्लेशियल एस्टिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी एस्टिक अम्ल बनाने की चौथी विधि, क्या थी भैया, एस्टिक अम्ल बनाने की चौथी विधि थी। तो इस तरह से हम चार विधियों द्वारा एस्टिक अम्ल को बना सकते हैं। अब हम लोग जो चलने वाले हैं वो इसके प्रॉपर्टीज पर चलने वाले हैं, भौतिक और रासायनिक गुणों पर इसका अध्ययन करेंगे। तो इसको साफ करना होगा, अब एडिंग हमारी पड़ती है भौतिक को, फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर वन, यह रंगहीन सिरके जैसी गंध वाला द्रव है, ठीक है ना, रंगहीन, कोई कलर नहीं होता, सिरके खट्टा सा नहीं महसूस होता है ना, तो सिरके जैसी गंध वाला द्रव है। नंबर दो है, संक्षारक होता है,
संचारक होता है। इन धातुओं को अगर धातुओं पर डाल दिया जाए तो इसको धीरे धीरे खत्म कर देता है, काट देता है। नंबर तीन है, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, जल एल्कोहल व ईथर में पूर्ण विलय। जल एल्कोहल व ईथर में पूर्ण विलय, यानी जल एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से घुल जाता है, पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण नंबर वन, पहला पॉइंट है सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया, तो अगर हम सोडियम धातु से क्रिया करवाते हैं तो देखिए क्या करना पड़ेगा। CH3COOH प्लस Na, एरोमार्ग बनेगा CH3COOH प्लस H2, ठीक है ना। सोडियम एसीटेट बन जाता है, क्या है ये भैया, सोडियम एसीटेट है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, बैलेंस करने के लिए दो और दो और दो, ये करते हैं, ठीक है। नंबर दो पर चलते हैं, दूसरा पॉइंट है NaOH से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम इसकी क्रिया करवाए तो ये बनेगा क्या, CH3COOH प्लस NaOH। ये एक अम्ल है और ये एक क्षार है, अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस CH3COOH प्लस H2, लवण प्लस जल बनता है, यानी फिर से सोडियम एसीटेट बन जाता है, ठीक है ना। नंबर थर्ड है PCl5 से क्रिया करवाते हैं, तो अगर हम इसकी PCl5 से क्रिया करवाते हैं तो CH3COOH प्लस PCl5। PCl5 की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्रिया कराने पर मैंने आपसे कहा था कि मम्मी कसम खा लो भैया, जो कंपाउंड में बनना है वो बनने बनना है, CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, यानी ये दोनों कंपाउंड तो सदैव बनने बनने हैं जब भी PCl5 से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिया करे। नंबर चार पर आता है अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, अगर हम इसकी अमोनिया से क्रिया करवाएं तो क्या होगा, CH3COOH प्लस, अमोनिया का सूत्र हमारा NH3 होता है, NH3 होता है, और ये बना देगा CH3COOH4, अमोनियम एसीटेट बन जाता है, क्या बनता है भैया, अमोनियम एसीटेट बनता है। नंबर पांच पर चलते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, एल्कोहल से क्रिया। ठीक है ना, एल्कोहल से क्रिया अगर हम करवाते हैं तो CH3COOH प्लस C2H5OH एस्टर बन जाता है, CH3COO C2H5 प्लस H2, ये बना एस्टर बनता है, ठीक है ना, क्या बनता है, एस्टर बनकर तैयार हो जाता है, एस्टर हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये भौतिक और रासायनिक गुण हैं, आगे इसके चलते हैं। तो ये थे हमारे एथेनोइक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। अब हम इसके आगे चलने वाले हैं जो कि इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। उपयोग यूजेस, यानी इनका हम कहाँ, एसिटिक अम्ल का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। तो नंबर वन पर चलते हैं, प्रयोगशाला में
अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक क्या होता है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ की सहायता से प्राप्त करने को अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो पदार्थ सहायता करता है उसे हम अभिकर्मक कहते हैं। नंबर दो, अचार, चटनी एवं सिरका उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सिरका बनाने में प्रयोग किया जाता है। सिरका का उपयोग आप जानते हैं अचार बनाने में, चटनी बनाने में, चाउमीन, पास्ता, मैक्रोनी, है ना, लगभग सभी फास्ट फूड में पड़ता है। नंबर तीन पर है, तीसरा यूजेज है, औषधियों में भी इसका प्रयोग होता है। और चौथा प्रयोग इसका रंग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर पांच पर है, विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। विलायक क्या होता है? किसी भी पदार्थ को घोलने के काम आता है। और नंबर छह पर होगा, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक यानी पार्ट नंबर 10 एस्टिक अम्ल, उसके बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग फिनिश होता है। इसके आगे का जो टॉपिक है बेंजोइक अम्ल, वो आपको अगले टर्न पर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे। जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं वो लोग क्या कर देंगे कि वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, पूरी सीरियल से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।